इंसान हमेशा कुछ चीज़ों के जवाब खोजता रहता है। कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन सा, कितना, किस लिए, आगे क्या, उसके आगे क्या, मैं क्यों, इंसान की नियति क्या है, आखिर आधुनिक मानव तनाव से ग्रस्त क्यों है, वो क्या ढूंढ रहा है, वो कुछ ऐसा खोज रहा है जिसकी उसने सिर्फ एक झलक देखी है, झलक उस आनंद की जो आता है आत्मा से, सहज योग अपनी आत्मा को पाने का, उससे एकाकारिता करने का रास्ता है। और श्री माता जी के शब्दों में, आप अपने जीवन का मायने तब तक नहीं समझ पाते जब तक आप उस शक्ति से जुड़ नहीं जाते जिसने की आपकी रचना की है, और यह शक्ति वह सर्वव्यापी शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, संपूर्ण सर्वज्ञ संगठनकारी है, जो सारा जीवंत कार्य करती है, बीज के अंकुरित होने से लेकर हमारे दिल के धड़कने तक का कार्य। इस शक्ति को अलग अलग नामों से जाना गया है या संबोधित किया गया है। ईसाई धर्म में इसे होली स्पिरिट, इस्लाम में रूह, यहूदी धर्म में शेखीना और हिंदू धर्म में इसे चैतन्य कहा गया। इस शक्ति से एकाकारिता करने की प्रक्रिया को भी विभिन्न नामों से जाना गया। सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, मोक्ष, लिबरेशन, निर्वाण, समाधि, सटोरी और भी कई अन्य नाम। इस सर्वव्यापी शक्ति का प्रतिबिंब हमारे अंदर स्थित कुंडलिनी है, जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में सुप्तावस्था में विराजमान रहती है और इसे जागृत करना पड़ता है। कुंडलिनी जब उठती है और सिर के तालु भाग तक आकर हमारा संपर्क उस सर्वव्यापी शक्ति से करती है, तब आत्म साक्षात्कार घटित होता है। प्राचीन काल से कुंडलिनी के बारे में जाना गया था, लेकिन इस ज्ञान को गुप्त रखा गया। श्री माता जी ने यह ज्ञान सभी के साथ सहयोग के माध्यम से बांटा। जबकि सहयोग का उद्देश्य लोगों की चेतना का उत्थान करना है, इसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी अनेक रोग निवारक प्रभाव हैं। सर्वव्यापी शक्ति से एकाकारिता होने से हमारी तंत्रिकाएं और मस्तिष्क ज्योतिर्मय हो जाते हैं, जिसके कारण परानुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। इसका अनुभव हमें मिलता है हमारे तालु भाग और हाथों पर महसूस होने वाली शीतल चैतन्य लहरियों से। कुंडलिनी जागरण की मदद से हमें अंदरूनी संतुलन मिलता है। सहज योग ने वैज्ञानिक स्तर पर कुंडलिनी जागरण और अच्छे स्वास्थ्य के बीच संबंध को प्रमाणित किया है। सहयोग की मदद से हम आज के आधुनिक जीवन के तनाव को कम कर सकते हैं। सहयोग आज के मानव को अपने व्यावसायिक, सामाजिक और निजी जीवन को आध्यात्मिक सत्य के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाता है। सहयोग के फायदे हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। तो आप सभी का सहयोग ध्यान के लिए स्वागत है।